हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 10 बजे द शहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ठीक होने के बाद पहली बार सूबे की जनता के बीच पहुंचे और खुद के हलके में संगत दर्शन के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के निशाने पर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगे दो बारी तनु कड्डे है, टीजीआर भी कट देंगे। कांग्रेस के कैप्टन को एक बार फिर से हराने का दावा कर रहे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पहुंचे हुए थे अपने हलके लंबी संगत दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री ने कैप्टन को सीधे हाथ लेते हुए चुनौती दी कि कांग्रेस तीसरी बार हारने के लिए तैयार रहे, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि अकाली दल ने तो कांग्रेस को दो बार हराया, लेकिन कांग्रेस अकाली दल को 20 बार हरा चुकी है और 21वीं हार के लिए अकाली दल तैयार रहे। अगे दो बारी तनु कड्डे है, टीजीआर भी कट देंगे। ओ भुलन ना कि उन्होंने कई बार असि हराया है, दो बार हराने की गल करते है, ते अकाली दल नू ते कांग्रेस ने 20 बारी हराया होया है। वही मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब कांग्रेस के राज के दौरान कारगुजारी पर सवाल खड़े किए तो जवाब कांग्रेस की ओर से आया और अकाली दल के 9 साल के कार्यकाल पर व्यंग कसने से गुरेज नहीं किया। हुण तां उन्हूं पुछवा लो भी सोने दियां कोठियां भी बना के देऊंगा, हर एक दे घरे कार भी खड़ी कर दूंगा, को जे तो कोई देना ही नहीं, जो मर्जी आख लो। ओ दो देखो गल सुनो, दो बार जदों रहे है उदों की दिता है, हुण कोई नवा आ गया हो। ए ए ए ते नलायक बच्चियां दी तरह अकाली दल कदी 1.5 साल वास्ते वापस आ जांदे सी, कदी 2 साल बाद वापस आ जांदे सी, कदी 1 साल बाद बस्ती फट्टी बस्ता चुक के वापस आ जांदे रहे। चुनावों से पहले सियासी पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बात है, लेकिन दोबारा सेहतमंद होकर लोगों में पहुंचे मुख्यमंत्री बादल इस बार जरा हमलावर नजर आ रहे हैं और निशाना खास तौर पर कैप्टन पर ही है। दिल्ली से पंकज कपाही और मुक्सर से जसविंदर बब्बर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की कल लंच डिप्लोमेसी है। आपको बता दें कि सीएम सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल ने कल बीजेपी अकाली नेताओं को लंच पर बुलाया है। विजय सांपला, अविनाश राय खन्ना, तरुण चुग समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है और लंच के बहाने सियासी चर्चा की जा सकती है। तो डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की कल लंच डिप्लोमेसी है। सीएम सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल ने कल बीजेपी अकाली नेताओं को लंच पर बुलाया है। कई खास मायने इस पूरे डिप्लोमेसी के निकल रहे हैं। विजय सांपला, अविनाश राय खन्ना, तरुण चुग समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में महागठबंधन के लिए कैप्टन दिल से तैयार है और नजरें खास तौर पर बीएसपी पर लगी हुई हैं। सूबे में अच्छा खासा दलित वोट बैंक होने के बावजूद बीएसपी हाशिए पर है, लेकिन जब बात गठजोड़ की उठती है तो दोनों पार्टियों को गठजोड़ पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इंतजार पहलकदमी का हो रहा है। बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद कैप्टन पंजाब में भी इस प्रयोग के मुद्दई हैं और बार बार सियासी स्टेजों से महागठबंधन का जिक्र भी सुनने को मिल रहा है और इस दरमियान बीएसपी के साथ कांग्रेस के गठबंधन के कयास जरूर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की ओर से आधिकारिक निमंत्रण का इंतजार है। बीएसपी कांग्रेस के निमंत्रण के इंतजार में है तो कांग्रेस बीएसपी की ओर से रابطہ बनाने में पहल करने की दलील दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी अगर सकारात्मक सम्मानजनक प्रपोजल पंजाब यूनिट के सामने रखेगी और जो नेशनल प्रेसिडेंट का फैसला होगा वो सारे वेलकम करांगे। हले तक सिर्फ अखबार के बयान तो अलावा कोई पार्टी के सामने कंक्रीट प्रपोजल नहीं है। कांग्रेस पार्टी सब नू लेके चलना चाहती है और वो अगर आना चाहते है तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नाल और जहां कांग्रेस हाईकमान नाल राबता करना चाहिए। दोनों पार्टियां पहले आप की रणनीति पर चल रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं को इंतजार आला कमान के फैसले का है। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।
आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की ओर से सुखबीर बादल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई गई इच्छा पर अकाली दल के सीनियर मेंबर और राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींसा ने कहा कि अगर भगवंत मान चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वे मैदान में आ जाएं। मैं तो इच्छा प्रकट की है क्योंकि बड़े लीडर ने वो अपने आपको सेफ समझ लेते हैं। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान की ये उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल को खुली चुनौती है। भगवंत मान के विधानसभा चुनावों में उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर करते ही सियासत गर्मा गई है। अकाली दल की दलील है कि सबको चुनाव लड़ने का हक है, जो जहां से मर्जी चाहे चुनाव लड़े। मैं इच्छा प्रकट की है क्योंकि बड़े लीडर ने वो अपने आप सेफ समझ लेते हैं। जे उन्होंने कोई ना आपां उन्हां दे विरुद्ध जाइए तो लोग भी शायद समझ लेंदे ने, पता नहीं ये यार बड़े लीडर के खिलाफ क्यों लड़दे। कोई गल नहीं, हार जीत चलती रहती है। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को ऐसा हराया कि राजनीति चो ही गायब हो गई। लड़ ले हक है, लड़ना लड़ ले। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चुनौतियों का दौर शुरू हो गया है। भगवंत मान के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के मुकाबले उतरने की इस इच्छा के पीछे रणनीति बड़े नेताओं को एक सीट में उलझाए रखना है। संगरूर से सुमित जोशी के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच लुधियाना स्थित समराला से एसजीपीसी के पूर्व मेंबर सरबंस मान की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप सांसद भगवंत मान की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। शिरोमणि अकाली दल से एक और नेता एएपी में शामिल हो गए हैं। लुधियाना के समराला से एसजीपीसी के पूर्व सदस्य और अकाली नेता सरबंस सिंह माणकी ने एएपी का दामन थामा है। उन्होंने अकाली दल पर धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जिहड़ा पिछले समय दे विच जिस तरह धर्म नूं राजनीति लई वरत्या गया, उह तों दुखी होकर मैं श्रोमणी अकाली दल तों ते श्रोमणी कमेटी तों इस्तीफा दिता। जिस तरह भ्रिष्टाचार उहनूं रोकण वास्ते मैं आप शामिल होने का फैसला किया। इस मौके पर मौजूद भगवंत मान ने कहा कि साफ छवि वालों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। उन्होंने लियाकत का पूरा भरपूर फायदा लवेंगे। तो मैं उम्मीद है कि सरबंस सिंह मानकी होर के आने सानू बहुत फायदा होगा। तो कल गुरप्रीत सिंह पट्टी आए हैं और NRIs बहुत अप्रोच कर रहे हैं। सो असी चंगे लोगों का स्वागत करांगे। बहरहाल पंजाब में दल बदल का दौर जारी है, जो चुनाव के नजदीक आने के साथ बढ़ता ही जा रहा है। लुधियाना से नवीन शर्मा, जी मीडिया। डीएसजीएमसी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इंसाफ मार्च निकाला है। बंगला साहिब से शुरू होकर मार्च जंतर मंतर तक पहुंचा। पीड़ितों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सोमवार को डीएसजीएमसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 84 दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने वायदे के मुताबिक काम नहीं किया। सानू जवाब दियो कि तुसी 84 दी विडोज दे कोल जाके उन्हां दी कलोनी च किया सी जदों 49 दिन दी सरकार सी कि दसिया जा अस मैं तुहाडे वास्ते नवीं कलोनी वसा देंगा, मैं नौकरियां देंगा, मैं कंपनसेशन देंगा, ये तुहाडे पुराने मकान ढा के इत्थे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के हवाले करांगा। मैं पुछना चाहना वोटां ते लै लईआं, तुसी सिखां नूं भरमा भी लिया लेकिन कीता की, उहदा जवाब दिओ, जगदीश टाइटलर दा जवाब। डीएसजीएमसी ने उस तस्वीर के बारे में भी सवाल पूछे हैं जिसमें टाइटलर और केजरीवाल एक साथ दिख रहे हैं। मैं समझदा कि काफ़ी टाइम ये ऑलरेडी वेस्ट हो गया। कांग्रेस के राज 32 साल सानू इंसाफ नहीं लैन दिता गया। इट इज़ हाई टाइम कि हुण CBI नू डिले नहीं करनी चाहिए, इमीजिएटली इनू लॉजिकल एंड ते लेना चाहिए। जगदीश टाइटलर के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर सामने आने के बाद विरोधी लगातार केजरीवाल पर हमलावर हैं। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। खबरें हरियाणा से लेते हैं। खट्टर मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें प्रदेश की मौजूदा स्थिति और जाट आंदोलन के दौरान हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकार ने जाट आंदोलन के दौरान मारे गए निर्दोषों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। जिन लोगों की ये हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का ऐलान करने के अगले ही दिन खट्टर मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की स्थिति पर चर्चा हुई, साथ ही जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए जान माल के नुकसान पर भी बातचीत हुई।
मंत्रिमंडल की बैठक हरियाणा के हालात का जायजा लेने के लिए ये बैठक हुई है। रोडवेज है, उसको कितना क्षति हुई है, कहाँ कहाँ का सड़क मार्ग खुल गया है, ये सारे एक एक विभाग अनुसार सारा आज के इस मंत्रिमंडल। विधानसभा में जाट आरक्षण पर विधेयक लाने पर रामविलास ने कहा कि सीएम खट्टर पहले ही विपक्ष को इस पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कह चुके हैं, लेकिन विपक्ष इसे नकार रहा है। और इन्हें लो से, और इसमें ये कहा था कि आप दोनों मिल करके इसके ऊपर ड्राफ्ट कर लीजिए और हम सरकार की तरफ से उसको विधानसभा में ले आएंगे। जाट आरक्षण आंदोलन में सरकार की ओर से 16 मौतों की पुष्टि हुई है, जाने गई हैं, उसका जो मंत्रिमंडल की बैठक में जो अधिकारियों ने दिया उसमें 14 की जानकारी आई है। 16 की जानकारी आई है। करीब 20,000 करोड़ के हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने आंदोलन के दौरान मारे गए निर्दोष मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का सहयोग, सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर हरियाणा में जाट आंदोलन को उकसाने वाले वायरल हुए ऑडियो की सरकार जांच करवाएगी, वहीं इस वायरल हुए ऑडियो पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अभय चौटाला ने ऑडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं पूर्व सीएम हुड्डा और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने इसे छवि खराब करने की राजनीति बताया। हेलो, हरियाणा में जाट आंदोलन को उकसाने को लेकर सामने आए एक ऑडियो क्लिप के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन पर सियासी रोटियां सिकी, क्या इस आंदोलन को सियासी शह भी दी गई थी, इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई क्या है, इसकी प्रमाणिकता की जरूरत है। हालांकि सरकार की ओर से भी इसकी जाँच कराए जाने की बात कही जा रही है। जहाँ तक ये प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की और ये तो एक सामने आई है बात, एक फैक्चुअल पोजीशन है जी। अब उसका तो जो कानून अनुसार जांच होगी, सरकार जांच कराएगी, जो कानूनी कार्रवाई इस पर बनती है। उधर इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद नेता विपक्ष अभय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अभय ने कहा कि ऑडियो ने कांग्रेस का चेहरा सामने ला दिया है। जो वायरल हुआ है उसमें आग लगाने वाले कौन लोग हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सेजिटेशन में जहां लोग शांत प्रिय ढंग से अपना लड़ाई लड़ रहे थे, जहां अपनी डिमांड कर रहे थे, किस तरह से लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। हरियाणा बीजेपी और इनेलो भले ही कांग्रेस पर वार कर रही हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह इसे छवि खराब करने की सियासी साजिश बता रहे हैं। बड़े भारी षड्यंत्र है और ये प्रोफेसर वीरेंद्र को बदनाम करने की है और ये आपस में सामाजिक ताना बाना तोड़ने की बात है ये, और इसके बारे में ज्यादा बात आप प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह बता सकते हैं क्या है। वैसे तो ये व्यक्तिगत बातचीत थी दो आदमियों के बीच में, लेकिन एक साजिश के तहत मेरी इमेज को खराब करने के लिए ये किया गया। वायरल हुए इस ऑडियो की हकीकत क्या है, ऑडियो वास्तविक है या फिर इसमें छेड़छाड़ की गई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस ऑडियो ने राजनीतिक पारा जरूर चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाट आंदोलन से कई दिन जिंदगी ठहर कर रह गई, कई जगहों पर जाट आंदोलन के साइड इफेक्ट्स देखे गए। करनाल में भी शादी समारोह में बैंड बाजा और बारात को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जरा सोचिए, जाट आंदोलन के चलते दुल्हन की डोली भी एयरलिफ्ट होकर मंडप तक पहुंची। घर पर खुशी का माहौल था, दुल्हन की तरह सजा घर बस अपनी बेटी की विदाई की एक आखिरी तस्वीर देखना चाहता था। शादी की तैयारियां भी पूरी थी, कार्ड छप चुके थे, मंडप तैयार था, अमेरिका से रिश्तेदारों की फ्लाइट भी आ गई, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि करनाल से दिल्ली तक का 124 किलोमीटर का सफर दुल्हन की शादी के लिए मीलों की दूरी बन गया। यह कहानी है करनाल की साक्षी गुप्ता की।
जिसकी शादी सोनीपत से आगे दिल्ली बॉर्डर के पास तिवोली गार्डन में होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त तक जाट आरक्षण का पहाड़ उनकी शादी की खुशियों पर आफत बनकर टूटता रहा। यही वजह है कि मजबूर परिवार वालों को आनन फानन में दुल्हन को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट करना पड़ा। दुल्हन को बाय एयर भेजा है, हेलीकॉप्टर मंगवाया खड़ा था, इतना फालतू खर्चा हो रहा है, कितना मुश्किल है। सब उदास हैं, सब उदास हैं, सब इतने आज मायूस हैं। हमें सुबह उम्मीद हो गई कि चलो खुल गया है, हम लोग सारे तैयार हो गए, पानीपत तक पहुंचे, उन्होंने वापस भेज दिया। दुल्हन तो चली गई, लेकिन उसके परिवार वाले शादी में शामिल नहीं हो सके। घर में शादी की खुशी फीकी हो गई और दुल्हन की विदाई अधूरी रह गई। उस लड़की को तो किसी तरीके से निकाल दिया बायर, पर हम लोग सबको ये था कि चलो खुल गया, अब हम चले जाएंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे, सब लोग परेशान। दुल्हन को हमने एयरलिफ्ट कराया कि चार पांच बंदे जो है शादी तो अटेंड कर ले, जो मुहूर्त है उसके हिसाब से। परिवार वालों की जुबान पर शादी की तैयारियों की पूरी कहानी है। दुल्हन के एयरलिफ्ट होने की कहानी कोई अकेली नहीं है। आरक्षण आंदोलन के साइड इफेक्ट्स आम जिंदगी में शहर दर शहर देखे गए। करमजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हिमाचल के दो वीर सपूत शहादत पा गए। दोनों सपूतों के पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो वहां पर शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ साथ परिवार और लोगों को उनकी शहादत पर बेहद गर्व है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। शहीद कभी नहीं मरते, हमेशा अमर रहते हैं। शहीद की इसी अमर शहादत को सलाम करती ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ की, जहां हवाई मार्ग के जरिए जम्मू कश्मीर से लाए गए हिमाचल के जाबाज ओम प्रकाश के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शहीद ओम प्रकाश के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। वहीं ओम प्रकाश के पिता नेकराम को जहां बेटे को खोने का गम है, तो वहीं देश के लिए जान कुर्बान करने पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। होगा इस दुनिया की खातिर जिन्होंने इस तरह का बलिदान दिया है, धन्य हो उनको और उनकी उन वीर जवानों के साथ जिनके साथ संग में उन्होंने इस तरह का कुर्बानी किए है, और उस कुर्बानी में उन्होंने अपने प्राण निछावर किए हैं। दुनिया जाने, भगवान जाने, हमारा कोई इसमें कोई गिला शिकवा नहीं, हम नहीं भी बहाएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। वहीं मंडी के जोगिंदर नगर के रहने वाले राजकुमार राणा भी इसी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। उनका पार्थिव शरीर मंडी पहुंचा और सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। हालांकि शहीद के परिवार के लिए उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्हें और उनके गांव को उनकी शहादत पर नाज है। उनके नमन आंखों से उनको विदाई दी है और सबको गर्व है कि हमारा जोगिंदर का एक सैनिक जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है, पूरे राष्ट्र को फख्र। दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए वीर गति पाने वाले इन जाबाजों की शहादत को देश के साथ साथ जी मीडिया भी दिल की गहराइयों से सलाम करता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। कुछ ऐसे ही नारे गूंजे जब आज मंडी के शहीद राजकुमार राणा का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। शहीद राजकुमार राणा दो दिन पहले श्रीनगर में एक जो सेना पर हमला हुआ था सीआरपीएफ की टुकड़ी पर, उसमें शहीद हुए थे, और आज उनके परिवार को उनकी इस शहादत पे फक्र है कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं।
यशा शर्मा, जी मीडिया, मंडी, हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, नमस्कार।